डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं उन बच्चों को मदद करने की कि जो नीट की तैयारी करना चाहता है। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स की। तो इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने बात की थी डिवीजन ब्रायोफाइट के बारे में किंगडम प्लांटी में, और आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम एक नया डिवीजन जिसे हम बोलेंगे टेरिडोफाइट्स। जब भी हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था और उसके बाद से धीरे धीरे हमने पढ़ना शुरू किया, तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो किंगडम प्लांटी में हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करी। तो टेरिडोफाइट्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इवोल्यूशनरी एक विकासवाद के थ्रू जो भी एनिमल या प्लांट जो भी आएंगे वो और डेवलप आते जाएंगे। तो ब्रायोफाइट के बारे में जैसा हमने बताया था कि ब्रायोफाइट्स जो थे वो नॉन वैस्कुलर थे, मतलब वहां पे जो ब्रायोफाइट के अंदर में जितने आए मॉसेस आए तो वो सारे के सारे नॉन वैस्कुलर थे, क्योंकि उनकी जो साइज थी वो बहुत छोटी होती थी। तो उनको जैसा मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहां पे प्लम्बिंग की जरूरत है, वहां पे पाइप वगैरह डालना पड़ेगा पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर पौधों की साइज बहुत छोटी है तो जाइलम फ्लोएम की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर देखा आपने, वहां पर नॉन वैस्कुलर था। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पहली बार देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स होंगे उसमें वैस्कुलर होंगे। क्रिप्टोगैम मैंने आपको बताया था, दो तरीके से कैटेगरी बताई थी प्लांट की, पहला बताया था क्रिप्टोगैम, दूसरा बताया था फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो पहले ऐसे प्लांट हैं कि जिनके अंदर क्या गया, एक क्रिप्टोगैम से मतलब ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब इनके अंदर फ्लावर नहीं होगा और प्लस इनके अंदर क्या होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम टेरिडोफाइटा की पहले बात कर लेते हैं कि जो टेरिडोफाइटा नाम था वो पहले कहाँ से आया, तो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैकेल, उन्होंने सबसे पहले टेरिडोफाइटा का नाम दिया। टेरिडोफाइट्स जितने मेंबर हैं उनकी स्टडी को हम टेरिडोलॉजी बोलते हैं, और ये जो प्लांट्स हैं इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एडवांस प्लांट्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो डिपेंडेंसी है वाटर में, पहले जो वाटर से एल्गी देखें आप तो वाटर से स्टार्ट हुआ, फिर आप ब्रायोफाइट्स में आए। तो ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर भी अभी जो वाटर की डिपेंडेंसी थी फर्टिलाइजेशन के लिए वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी हम बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है, तो आप देखेंगे ये राइजोम है अगर हम इसकी बात करें, तो ये स्टेम है, जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ये फर्न एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये फर्न आपने अपने गार्डन्स में देखा होगा। इसका ऑर्नामेंटल जो अभी हम इसकी जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा है, बाकी ज्यादा कुछ वैल्यू ऐसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत ज्यादा नहीं है। हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डिटेल में। तो ये जो फर्न है आपने जरूर कहीं ना कहीं पे देखा होगा, तो जो फर्न है उसमें जो जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और ये क्या करेगा, धरती के ये जो पैरेलल है ऐसे ग्रो करता जाएगा। वो जनरली स्टेम क्या होता है ऊपर की साइड जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, पैरेलली ग्रो करेगा। तो जहां पर अंडरग्राउंड स्टेम होगा उसको हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये पैरेलली ग्रो कर रहा है इसलिए इसे रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, इसका रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी वाटर की डिपेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई है, इनको फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। जबकि टेरिडोफाइट में एक बड़ी अच्छी बात हुई, जब ब्रायोफाइट हमने बढ़ाया था तो उसे कंपेयर करके अगर आप पढ़े बच्चों तो उसमें देखा था कि वहां पर थैलस था, मतलब जो रूट स्टेम और लीफ थी वो डिफरेंशिएटेड नहीं थी, इसीलिए उसको हम थैलस स्ट्रक्चर बोलते थे, याद है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ देखिए कि जो टेरिडोफाइट के मेंबर हैं यहाँ पर रूट स्टेम और लीव्स आपको मिलेंगे। और भी अगर हम इंपॉर्टेंट अगर एक शॉर्ट रिव्यूजन करें तो आप देखिएगा कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट थे उसमें जो मेन स्टेज थी, जो मैंने वो जो मेन स्टेज थी, जो मतलब लाइफ में जब आप उसे देखोगे प्लांट की लाइफ को देखोगे तो मैक्सिमम टाइम वो आपको मेन जो प्लांट दिखेगा उसको बोलते हैं मेन स्टेज। जैसे गैमेटोफाइट, जैसे हम अपना एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ ह्यूमन का एग्जाम्पल, तो ह्यूमन में देखो हम डिप्लॉयड है राइट, तो
हाफ ऑफ द क्रोमोसोम हमारी मदर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम हमारे फादर से आते हैं और हम डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो हमारा, मेरा नाम, आपका नाम, पूरी दुनिया में जितने सारे लोग हैं, 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सबके नाम है, वो तो सारे के सारे क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट वो प्लांट में यूजुअली हम यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हम सारे लोग डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड की आइडेंटिटी है, कभी किसी स्पर्म का नाम ये है, ओवा का नाम ये है, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा हो। हालांकि स्पर्म और ओवा होते हैं और उन्हीं से हम बनते हैं, लेकिन स्पर्म का नाम नहीं होता, ओवा का नाम नहीं होता। तो जो मेन हमारी स्टेज है वो है डिप्लॉयड। तो ऐसे प्लांट के केस में एल्गी और ब्रायोफाइट के केस में देखें, जो मेन स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, मतलब वो हैप्लॉयड प्लांट है। जबकि जब आप ब्रायोफाइट के आगे बढ़ेंगे, डिविजन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। इसमें जो मेन स्टेज होगी बच्चों वो होगी स्पोरोफाइट, मतलब अब आपको डिप्लॉयड प्लांट दिखेगा। अभी जो आपके टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं, इनके पास कुछ लीफ प्रेजेंट होती है, एक जो अभी तक एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है स्पोरोफाइट पे, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। और उसी स्पोरोफिल के पास स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी और स्पोर बनेंगे। हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दो तरीके के लीफ आप आगे देख पाएंगे कि जो आपके टेरिडोफाइट्स, उसमें दो तरीके के लीफ होती है, एक होती है वेजिटेटिव और दूसरी होती है जो रिप्रोडक्टिव होती है। हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो हैबिटेट की अगर हम बच्चों बात कर लें कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो अभी ऐसे ठंडी जगहों पे पाया जाएगा, कूल है, शेडी प्लेस, बहुत ज्यादा धूप होगी वहां नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, एंड ग्रो इन सैंडी सॉइल, ठीक है। और ऑब्वियस है ऐसे जगह पे होंगे जहां पर वाटर होगा, क्योंकि वाटर अल्टीमेटली आपको जरूरी है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर की वजह से मैंने बताया, इसकी अगर पूरी बॉडी की बात करें टेरिडोफाइट की, तो जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब वो डिप्लॉयड होती है। पहली बार ऐसा, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि पहली बार ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो वैस्कुलर प्लांट है, मतलब उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको टेरिडोफाइट्स को हम फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोलते हैं, पहला जो ऐसा प्लांट जो आप जो है आपके लैंड पे आया, सबसे पहला सक्सेसफुल प्लांट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी इससे पहले जो भी हमने एल्गी ब्रायोफाइट देखा, उससे इसमें कुछ एडवांस फीचर हैं। क्या एडवांस फीचर? नंबर वन, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके पास वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। और दूसरी बात, इनके पास अगर आप याद करें तो जो ब्रायोफाइट था उनके पास रूट नहीं था, वहां पर हमने बताया था कि उसके पास राइजोइड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वेल डेवलप रूट मिलेगी। दे हैव रूट, द प्राइमरी रूट रिमेन अलाइव फॉर शॉर्ट पीरियड, जो प्राइमरी लीव होती है वो कुछ दिनों के लिए होती है और बाद में वो रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से। आगे चल के जब हम प्लांट में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट, अलग अलग रूट के टाइप्स होते हैं, तो बाद में वहां पर एडवेंटिशियस रूट हो जाती है। और जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर अगर अगर टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर स्टेम अंडरग्राउंड है तो उसको हम राइजोम बोलते हैं, अगर इसे हम लीफ की बात करें। तो टेरिडोफाइट्स के जितने सारे मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होते हैं, दो तरीके के लीव्स होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में अगर आप देखेंगे लाइक सिलेजिनेला, एक्विसीटम, फर्न, तो आप देखोगे अगर सिलेजिनेला देखेंगे, एक एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स का, तो जो सिलेजिनेला आप सिलेजिनेला देख रहे हो, इसकी जो लीव्स होती हैं बड़ी छोटी छोटी सी होती है। तो अगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के जिसमें लीव बड़ी छोटी छोटी हैं, इसलिए उनको माइक्रोफिल बोलते हैं। इकोसिस्टम की देखेंगे तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे लीव्स हैं, देखते हैं आप। जबकि अगर फर्न की बात करें तो फर्न में आपको क्या मिलेगा, फर्न में आपको इसकी साइज बड़ी मिलेगी। तो जो बड़ी साइज के लीफ है उनको क्या बोलेंगे, मेगाफिल्लस या लार्ज लीव्स। एग्जाम्पल देखिए टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सीलिया। जबकि ऐसे प्लांट जिसमें छोटी लीफ पाई जाती है उनको बोलते हैं, एग्जाम्पल देखिए इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं आपके, जो टेरिडोफाइट के मेंबर हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का एक लीफ होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल में क्या होगा, उसी लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, और उसी स्पोरेंजिया को जो प्रेजेंट होगा उसी के अंदर आपका बनेगा स्पोर। तो ऐसे लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। और जब बहुत सारे जो स्पोरोफिल हैं, जो बहुत सारे स्पोरेंजियम, ऐसे स्पोरोफिल का एक कॉम्पैक्ट सा क्या बना लेते हैं, ये एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेता है,
और इसी स्ट्रक्चर को, ये स्पोरोफिल के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन, या इसके या क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बेयरिंग स्पोरेंजिया। जैसे इक्विसिटम में देखिए, यहाँ पर भी ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे आपका आइसक्रीम का कोन होता है, एक ऐसा कोन बन चुका है, यहाँ पर भी आप कोन देख पा रहे हो। तो चाहे आप कोन बोलिए, स्ट्रोबिलस बोलिए, स्ट्रोबिलस या कोन होता क्या है, स्पोरोफिल बेयरिंग स्पोरेंजिया, मतलब क्या हुआ, स्पोरोफिल के कॉम्पैक्ट फॉर्म को ग्रुप में आ जाता है, इसको बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। तो एक्विसिटम में और सिलेजिनेला में आपको कोन मिलेगा, देखिएगा ये कोन या स्ट्रोबिलस मिलेगा, लेकिन अगर फर्न में आप देखें तो फर्न में आपको इस तरह से कोई भी कोन या स्ट्रोबिलस नहीं मिलेगा, जबकि जो लीफ है वो लीफ के बैक साइड में आपको स्पोरेंजिया मिल जाएंगे। एक को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे, बहुत सारे ग्रुप को हम स्पोरेंजिया बोलेंगे, और ऐसे लीफ जहां पर आपको स्पोरेंजिया मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। तो हमें क्या समझ में आया, हमने ये देखा कि जहां पर स्पोरेंजिया जिस लीफ पे होता है उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, चाहे सिलेजनेला हो, चाहे एक्विसिटम हो, और यह आपका फर्न हो, तो स्पोरोफिल तो होगा। लेकिन इक्विसिटम और सिलेजनेला में क्या होता है, स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट एक गुच्छा, एक क्लस्टर बना लेता है, एक एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। लेकिन अगर आप स्पोरेंजिया में देखें, अगर आप देखेंगे फर्न में, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर कोन या स्ट्रोबिलस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो ये रहा अपना बेसिक डिफरेंस। चलिए और कुछ बातें करते हैं इसके बारे में हम। तो अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, तो जैसे ये लीफ के बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया था टेरिडोफाइट्स के, कि दो तरीके के आपके टेरिडोफाइट के मेंबर होते हैं। पहले आपको बताया जैसे मेगाफिल्स होते हैं, जिनकी जो लीफ है वो बड़ी बड़ी होंगी, जैसा फर्न का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और कुछ ऐसे होती हैं जिनकी पत्तियां बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लीफ बड़ी छोटी छोटी होती हैं, तो माइक्रोफिल्स हो गए, राइट। तो दो तरीके के हो गए, और अलग तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते। देखिए क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई क्लास है तो क्लास को अगर हमको डिवाइड करना है तो बोलेंगे मेल और फीमेल, है ना। तो उसी क्लास को हम फिर बाद में ये बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिलीजन, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने ईसाई हैं, ऑलराइट। तो क्लास आपकी सेम है, सिर्फ आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है। तो अभी फिलहाल जो मैंने क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेसिस पे था, वो लीफ के साइज के बेसिस पे था। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अगर हम डिवीजन टेरिडोफाइटा का देखें, तो उसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट दो तरीके के होते हैं। पहला होमोस्पोरस टेरिडोफाइट एंड हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्या होते हैं भाई, होमो मतलब होता है सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, मतलब ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, अगर दोनों की साइज सेम है तो उनको हम बोलेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट होंगे उनके जो स्पोर होंगे उनकी साइज सेम होगी, जबकि अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें लाइक साल्वेनिया, साल्वेनिया एंड सिलेजिनेला, अभी आपको मैंने सिलेजिनेला की फोटो भी दिखाई थी, ये देखिए आप सिलेजिनेला देख सकते हैं आप, इनका जो स्पोर बनेगा, तो आप आगे भी बताऊंगा मैं आपको कि जो इनकी स्पोर की साइज होती है ये छोटी बड़ी होती है। तो जब दो स्पोर की साइज छोटी बड़ी हो तो उसको बोलेंगे हेटरोस्पोरस कंडीशन। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्वेनिया। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो जो प्लांट है, जैसे आपको बताया, जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे स्पोरोफाइट होती है, और रिप्रोडक्शन कहां से होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा उससे होगा। मैक्सिम जैसा आपको बताया कि टेरिडोफाइट में सारे के सारे मैक्सिम जो टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस है, मतलब एक ही तरीके के स्पोर्स पाए जाएंगे। एग्जांपल अगर हम देखें तो साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस, ये सारे कुछ इसके जीनस के नाम है। जबकि अगर हम हेटरोस्पोरस की बात करें तो सिलेजिनेला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया एंड एजोला। तो हेटरोस्पोरस जब आप देखेंगे तो हेटरोस्पोरस में देखिए, ये जो हमने स्ट्रक्चर आपको स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो ये स्पोरोफिल है, मान लेते हैं ये फर्न का है, तो फर्न का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो आपको स्पोरोफिल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया दिखाई पड़ेगा, ये स्पोरेंजिया है। तो आप इसमें स्पोरेंजिया जो आप देख सकते हैं, ये जो स्पोर है इसको बोलते हैं, इसकी साइज देख रखे होंगे आप, इसकी जो साइज है ये बड़ी साइज है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी साइज छोटी है। तो ऐसी लीफ जिनकी साइज बड़ी है, जिसके अंदर स्पोर बड़े बनते हैं, उनको बोलते हैं मेगा स्पोर, और ऐसी लीफ को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। मतलब मेगा स्पोरोफिल मतलब ऐसी पत्तियां, ऐसी लीफ जिनकी साइज बड़ी है और उनके अंदर स्पोर बड़े बनते हैं, उनको बोलते हैं मेगा स्पोर।
और लीफ को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। जबकि जो छोटी लीव्स हैं जिनके ऊपर आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके अंदर जो स्पोर बनेगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो आप देख सकते हैं दो तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो जैसा बताया था कि जो फर्न है स्पेशली ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पोरेंजिया का अलग से फॉर्मेशन नहीं होता, कि उसके लिए मतलब आई मीन जो कोन बनता है वो कोन या स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन नहीं होता और लीफ पे ही स्पोरेंजिया आ जाते हैं, तो उसकी बेसिस पर देखेंगे कि जो फर्न है तो उसमें कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन पे स्पोरेंजिया नहीं होते हैं, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनमें होते हैं। तो जो ऐसी लीव जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होंगे उनको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव लीव बोल सकते हैं, उनको स्पोरोफिल का नाम दिया हमने, है ना। और ऐसी जो नॉर्मल लीफ है उनको बोलते हैं ट्रोपोफिल, या उनको बोलते हैं वेजिटेटिव लीव्स। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम आपको फर्न का एक एग्जाम्पल दिखाएं तो फर्न में आप देख पाएंगे कि अगर हम फर्न का एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, ये फर्न का एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ ऐसी लीव्स होंगी नीचे की, जितनी सारी लीव्स हैं यूजुअली क्या होंगी उसमें स्पोरोफिल वो स्पोरोफिल उसमें नहीं प्रेजेंट होंगी, कुछ लीव्स होंगी जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा और उसको बोलेंगे स्पोरोफिल, और बाकी के सारे इनको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लीव्स होंगे उनको बोलेंगे ट्रोपोफिल। तो अगर रिप्रोडक्ट अगर वेजिटेटिव लीफ है उसमें कोई स्पोरेंजिया वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे ट्रोपोफिल, लेकिन अगर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिल। तो दो तरीके के लीफ हो गए, है ना साहब, आसान है, एकदम इजी है समझना। स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होंगे ग्रुप में उनको जैसा बताया उनको हम सोरस भी बोलते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप, दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड सोरस। उसका अगर हम या प्लूरल देखें तो सोराई बोलते हैं। सोराई आर फाउंड इन स्पोरोफिल इन टेरिडोफाइट, स्पोरोफिल आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, है ना। जो लीफ है यहाँ पे स्पोरेंजिया है वो भी फोटोसिंथेटिक होगा, ऑब्वियस है लीफ है तो। और ये एक बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टर है टेरिडोफाइटा का, जिसमें जो स्पोरोफिल है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है। स्पोर मदर सेल होगा किसके अंदर प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया, ऑब्वियस है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल, और उसी में क्या होगा, मियोसिस होगा और आपके स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब मियोसिस हो जाएगी तो ऑब्वियस है जो डिप्लॉयड सेल थी, स्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। ऐसे जैसे ह्यूमन बींग से अगर हम कंपेयर करें तो लोगों के जो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या ओवा, फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, तो जो जिस सेल से बनती है उसको मदर सेल बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल, राइट। तो डिप्लॉयड होती है, उसमें डिवीजन होगा तो आप क्या बनेगा, ओवा बनेगा या स्पर्म बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर होगी वो डिप्लॉयड होगी, उसमें मियोसिस होगी तो जो स्पोर बनेगा वो हैप्लॉयड बनेगा। चलिए, इन टेरिडोफाइट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक। मतलब क्या है कि जो जर्मिनेशन होगा, एक्सोस्पोरिक का मतलब क्या है कि जो सीड, सीड तो यहाँ होता ही नहीं है, सीड विदाउट सीड है अभी, अब फ्लावर ही नहीं है तो सीड कहाँ से होगा, मतलब टेरिडोफाइटा में हमारा सीड नहीं, अभी सीड आया ही नहीं, अभी फ्लावर आया ही नहीं, इसका मतलब जो स्पोर बनेगा वो स्पोर गिर जाएगा जमीन पे और जमीन पे ही वो उग जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सोस्पोरिक। और वो जो जो इस वो जर्मिनेट हो गया, इसमें आपको बता दूं कि जो जो मेल पार्ट होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, अभी हम आगे लाइफ साइकिल और डिटेल में पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं, और उसको जर्मिनेट करने के बाद जो मेल पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे प्रोथैलस। सो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द सॉयल, देयरफॉर इट इज फ्री एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो जो 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 स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल था वो डिवाइड हुआ और आपका स्पोर बन गया और स्पोर जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिरने के बाद वो एक नया प्लांट बना लेता है, और उस प्लांट को एक नया प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, ठीक है। और वो फोटोसिंथेटिक होगा, अलग से प्लांट होगा, मतलब आप देख रहे हो कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है लेकिन गैमेटोफाइट जो है वो भी आप देख सकते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। दिस गैमेटोफाइट जो आपका प्रोथैलस बन गया, जो मेल गैमेटोफाइट था, जो स्पोर में मेल गैमेटोफाइट, स्पेशली जो मेल गैमेटोफाइट है वो जमीन पे गिर गया, वो उग गया, एक नया मेल गैमेटोफाइट बना लिया, और उसके लिए चाहिए क्या, ठंडी जगह चाहिए, डैम मतलब पानी वाला जगह भी चाहिए, पानी तो चाहिए ही, शेडी प्लेस टू ग्रो, और क्योंकि इसको इतनी सारी कंडीशन चाहिए कि ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए और पानी भी उसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वहां से उसका जो एंथ्रेजॉइड है जो भी मेल वो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा अगर नहीं होगा पानी तो इसीलिए चूंकि ये सारी जगह हर जगह कंडीशन एक जैसी होती नहीं है, इसीलिए इसका रेस्ट्रिक्शन है कि पूरी दुनिया में हर जगह नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइट। सो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन,
द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। जैसा आपको पता होगा, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंग्रोव, मैंग्रोव आपने सुना होगा कि मैंग्रोव के जंगल होते हैं, तो समुद्र के किनारे जो पौधे पौधे होते हैं वो मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव को ग्रो करने के लिए तो साल्टी कंडीशन चाहिए, तो इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह तो नहीं पाए जाएंगे, वो वहीं पे पाए जाएंगे जहां पे समुद्र होगा, वहीं पे पाए जाएंगे जहां पे पानी कम होगा। तो क्योंकि उसका रेस्ट्रिक्शन है कि उसके लिए जो उसको सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो रेस्ट्रिक्टेड है एक जगह पर। तो इसीलिए टेरिडोफाइट को सर्वाइव करने के लिए सारी कंडीशन, फर्टिलाइजर वगैरह होने के लिए ये सारी कंडीशन चाहिए, तो ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, रेगिस्तान में कहाँ मिलेगा, तो इसलिए टेरिडोफाइट हर जगह नहीं पाया जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सो देर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस। मतलब जैसा बताया कि जो मेन प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है, जबकि जो मेल गैमेटोफाइट है उसे अलग से ग्रो कर गया है, तो स्पोरोफाइट का प्लांट अलग देख सकते हो और गैमेटोफाइट का प्लांट अलग देख सकते हो। और जो 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 हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, देखिए जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफिटिक है, राइट, और जो स्पोर से ग्रो कर गया वो हो गया गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक अलग लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक अलग लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का अपना अपना वजूद है, अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है। प्रोथैलस इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइट, ठीक है ना। अब यहां पर भी जो आप देखोगे जो गैमेटोफाइट का प्लांट होगा इसमें लीफ और स्टेम और ऐसा चीजें नहीं दिखेगी, इसमें भी थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा जैसा ब्रायोफाइट में था, और राइजोइड्स होंगे, रूट नहीं होंगे। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोथैलस है वो नॉन वैस्कुलर होगा, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होंगे, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट है उसमें देखोगे आपका रूट भी मिलेगा, शूट भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा, जबकि जो स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइट का उसमें भी सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो गैमेटोफाइट वाला प्लांट है वो नॉन वैस्कुलर होगा, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, प्लस उसमें रूट स्टेम लीफ भी नहीं मिलेगी, वो थैलस मिलेगा और उसमें राइजोइड होंगे रूट की जगह पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, जैसे आपको बताया कि दो तरीके के टेरिडोफाइट है, पहला टेरिडोफाइट है जिसे बोले होमोस्पोरस, और दूसरा क्या हो गया आपका हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस वाले जितने एग्जाम्पल हैं वो सारे आप देख पाएंगे कि वो बाईसेक्सुअल होता है। वो बाईसेक्सुअल होंगे मतलब क्या होगा, वो इसी पे मेल पार्ट होगा, उसी पे फीमेल पार्ट होगा। जबकि जो हेट्रोस्पोरस होंगे उनमें केस अलग होगा, जो गैमेटोफाइट अलग होगा, मतलब मेल पार्ट अलग और फीमेल, तो इस फीमेल जो पार्ट है वो स्पोरोफाइट में ही होगा, लेकिन मेल पार्ट के लिए वो अलग से ग्रो होगा और वो क्या बनाएगा, प्रोथैलस। हम डिटेल देखते हैं, अभी इसका लाइफ साइकिल ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन टेक्स प्लेस ऑन दिस गैमेटोफाइट। मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज एंथ्रिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट टेक्स प्लेस इन एंथ्रिडिया व्हिच आर कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड। और एग किस में बनेगा, बनेगा ऑब्वियस है आर्चिगोनियम में बनेगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जूडियोगैमी के थ्रू होगा एंड जाइगोजिस्ट फॉर्म। अगर हम देखें कि जूडियोगैमी क्या होता है, तो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है प्लांट में, प्लांट में फर्टिलाइजेशन का एक ऐसा टाइप है जूडियोगैमी, जिसे जो मेल गैमिट है या जिसको हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, वो एक वाटर में स्विम करके फीमेल तक पहुंचता है। तो जब भी मेल पार्ट को फीमेल तक पहुंचने के लिए, मेल स्पोर को फीमेल तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत पड़े, तो उसको बोलते हैं जूडियोगैमी, राइट। एंड जायगोट इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस है। जायगोट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, और वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट में, जिसमें रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा, ऑब्वियस है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ऊगैमस, जिसमें एग की साइज बड़ी होगी। लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट का होगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक, मतलब जो मेन पार्ट है वो डिप्लॉन्टिक होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। गैमेटोफाइट आपको पता है कि ये डोमिनेंट नहीं होता है। और ये इतनी सारी बातें रही हमने बात की, अब हम डिटेल ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके लाइफ साइकिल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसका पार्ट टू अपलोड करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में, प्लांट के टेरिडोफाइट के। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हो तो मेरा मोटिव है कि मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊँ जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप
इस वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको सही लगता हो तो प्लीज आप इसे शेयर करें, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करें, या जो भी फेसबुक या जो भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया, उस पर आप इसको स्प्रेड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। तो मिलते हैं नए पार्ट में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।